हमने डिस्कस किया था अबाउट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. उस थ्योरी में डिसाइड हुआ था कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन इज बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर. और भी बहुत सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की थी. अब आती है बात आगे की थ्योरी की, तो हम लोग यहाँ आप डिस्कस कर रहे हैं VBT. इट इज़ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. VBT इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है, ऐसा जो चीजें वहां से एक्सप्लेन नहीं हो पाई वेस्पर थ्योरी से, उसको क्या VBT ने डील किया. तो आप इसमें ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट, दिस थ्योरी, दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड by Linus Pauling, एक साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री के, दैट इज Linus Pauling. तो Linus Pauling ने इस थ्योरी को प्रपोज किया, और जो भी कमियां वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में थी, जो दिखाई नहीं दी, जिसको वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसको यहां से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई. और जब ये थ्योरी भी बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उसके बाद एडवांस VBT आया, एडवांस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. एंड एडवांस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय एरविन श्रोडिंगर. तो अभी हम लोग बेसिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात कर रहे हैं, विच इज प्रपोज्ड बाय Linus Pauling. तो बेसिकली this theory is based on following points. This theory is proposed by based on following points. Number one, हमने आपको बताया कि जब मिक्सिंग होती है ऑर्बिटल की, तो उस टाइम पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ऊपर बेस्ड है, सो इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. अब बात आती है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और यह भी बताया कि सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक जैसी होती हैं. तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन hybridization is phenomena hybridization is phenomena of mixing of atomic orbitals, atomic ऑर्बिटल्स. यहां एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम लोग बोल रहे हैं प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जब मिक्स करती हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, हैविंग हैविंग कंपेरेबल एनर्जी और नियरली
सेम एनर्जी है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होती हैं और वो ऑर्बिटल मिक्स होंगी जिसकी एनर्जी लगभग बराबर हो, लगभग बराबर हो। नाउ द थर्ड पॉइंट, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर जनरली प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, जो हमने आपको बताया था कि जो आउटर मोस्ट शेल होती है दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल, और वहीं पर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल उस शेल की आपस में मिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करती है। फोर्थ, नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। जैसे मान लीजिए दो प्योर ऑर्बिटल मिक्स करी तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी दो बनेंगी, यदि तीन मिक्स करें तो वो भी तीन बनेंगी। ये हम आपको पिछली थ्योरी में बता चुके हैं, बट बताया भले ही था लेकिन इट इज प्रपोज बाई लाइनस पॉलिंग इन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नाउ फिफ्थ पॉइंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ऑफ ऑर्बिटल इज फॉलोड। जितनी मिक्स होंगी उतनी ही बनेंगी, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे आप देखें कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल यदि मिक्स हुई तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। इसी टाइप से यदि तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुई तो यहां पर तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, चार होंगी तो चार बनेंगे। नाउ सिक्स पॉइंट, ऑल प्रोड्यूस्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट, मतलब उनके एनर्जी लेवल सेम होंगे, डीजनरेट। हेंस
they are filled with electrons. उनमें जब आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दे आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल. मतलब पेयरिंग आपको तब तक नहीं करनी है जब तक सारी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए. Now, seventh point. Like pure orbital, hybrid orbitals can also have maximum 2 electrons with opposite spin. जैसे आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते थे, पहले एक सीधा और दूसरा उल्टा एक ऑर्बिटल के अंदर, तो यहां भी सेम चीज होगी. हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं विद द अपोजिट स्पिन. नाउ 8 पॉइंट, एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज अर्थमेटिक मीन ऑफ एनर्जी of combining pure orbital. देखेंगे इस पॉइंट को अभी. अर्थमेटिक मीन होता है, इट इज द अर्थमेटिक मीन. और एक पॉइंट हमने आपको बताया था कि सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होती हैं उनका शेप सेम होता है. सो ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव सेम शेप. और इसका शेप हमने आपको बताया था कि एक लूप हम लोग छोटा रखेंगे और एक बड़ा, बड़े को पॉजिटिव साइन देंगे और छोटे को निगेटिव साइन देंगे. दीज आर द पॉइंट्स जो हमको फॉलो करने इन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी विच इज प्रपोज बाई लाइनस पॉलिंग. अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहां हम कुछ कॉन्सेप्ट डील कर रहे हैं. मान लीजिए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, बेसिकली क्या है, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है बड़ा, दिस इज यूज फॉर ओवरलैप. इट इज यूज फॉर ओवरलैप. इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द हेड एंड दिस इज कॉल्ड टेल. हेड एंड टेल. अब आप सोचो, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब मॉलिक्यूल के अंदर एनालाइज करा तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो कुछ ऐसे एग्जिस्ट कर रही हैं.
एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसके बाद दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल, और बेसिकली ये एक्सिस है। इस एक्सिस को हम लोग नाम दे रहे हैं, दिस इज द ऑर्बिटल एक्सिस, दिस इज द ऑर्बिटल एक्सिस। अब दी वाली जो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा था, एसपी होता था, एसपी टू होता था, एसपी थ्री होता था, तो पी के ऊपर की चीजें चेंज हो रही हैं, तो हम इसको एक नाम दिए देते, दैट इज द एसपीआई। आई कुछ भी हो, हम लोग इसको एसपीआई बोलते हैं। अब आप सोचें कि यहां पर जो ये वाली हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल इज एसपीआई, और ये वाली हाइब्रिड ऑर्बिटल भी एसपीआई, दोनों एसपीआई है, और जो बीच में ये एंगल चल रहा है, इस एंगल को देखें आप, दिस एंगल, एक्सिस टू एक्सिस हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड, दो ऑर्बिटल के बीच का एंगल है, दिस एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा, थीटा को हम लोग बोलते हैं दिस इज द इंटर ऑर्बिटल एंगल, दिस इज द इंटर ऑर्बिटल एंगल। और जो हम लोगों ने आई लिया था, इसके अंदर आई इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, इट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। इंटर ऑर्बिटल एंगल आपको बता दिया और ऑर्बिटल एक्सिस आपको बता दिया हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, इट डिपेंड्स ऑन थीटा, रिमेंबर द हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स ऑन थीटा। और यहां पर हम एक एप्लीकेशन डायरेक्ट लिख रहे हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आई, आई इज व्हाट, इट इज द हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, एंड थीटा इज व्हाट, थीटा इज इंटर ऑर्बिटल एंगल। सो यू रिमेंबर हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स ऑन इंटर ऑर्बिटल एंगल, हाइब्रिडाइजेशन हमारा डिपेंड करता है ऑन इंटर ऑर्बिटल एंगल। अब इसके अंदर हम लोग कुछ एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सपोज करें कि हाइब्रिडाइजेशन जो है, इट इज द एसपीआई, हाइब्रिडाइजेशन इज एसपीआई, हाइब्रिडाइजेशन यदि एसपीआई है, तो यहां पर एक टर्म हम लोग लिख रहे हैं, दिस टर्म इज एफएस, एफएस को बोल रहे हैं हम लोग, दिस इज द फ्रैक्शनल एस करेक्टर, फ्रैक्शनल एस करेक्टर। सिमिलरली एक टर्म हमने लिखी एफपी, दिस इज फ्रैक्शनल पी करेक्टर, एस करेक्टर और पी करेक्टर। अब थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा आप, फ्रैक्शनल एस करेक्टर और फ्रैक्शनल पी करेक्टर। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा है एसपीआई, तो एस के ऊपर वन और पी के ऊपर आई, जिसके अंदर आई जो है वो वेरी कर रहा है। अब फ्रैक्शनल एस करेक्टर की एफएस की जो वैल्यू होगी, दिस एफएस इज इक्वल टू एस का वैल्यू वन अपॉन टोटल वैल्यू इज आई प्लस वन, एस का भी वैल्यू और आई का भी वैल्यू। सिमिलरली यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एफपी इज इक्वल टू पी का आई अपॉन आई प्लस वन, ये आई प्लस वन हो गया।
इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं एफएस को बाय एस और एफपी को हम लोग डिनोट कर रहे हैं पी से. नोटेशंस चेंज कर दिया हमने, एक का एस कर दिया और एक का क्या कर दिया पी कर दिया. और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है माइनस वन अपॉन आई. तो हमको एक रिलेशन डेवलप करना है बिटवीन द कॉस थीटा एंड एस, कॉस थीटा एंड पी. रिलेशन डेवलप करने के लिए आप इसके अंदर सोचें, एफ एस को तो आपने एस से डिनोट कर दिया, तो सबसे पहली बात क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आई. और दूसरा एफ एस को आपने बोल दिया एस, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन आई प्लस वन, वन अपॉन आई प्लस वन. इसका हम रेसिप्रोकल ले लें तो वन अपॉन एस इज इक्वल टू आई प्लस वन. नाउ आई इज इक्वल टू, आई का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा, आई का जो वैल्यू होगा दिस वैल्यू इज वन अपॉन एस माइनस वन, वन अपॉन एस माइनस वन. तो आई का जो वैल्यू हो गया दिस वैल्यू इज वन माइनस एस अपॉन एस. इसका हम रेसिप्रोकल ले लें तो वन अपॉन आई इज इक्वल टू एस अपॉन वन माइनस एस. देखते जाओ आप ठीक से, एस अपॉन वन माइनस एस. तो माइनस वन अपॉन आई का जो वैल्यू होगा, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, दिस वैल्यू इज एस अपॉन एस माइनस वन, दिस वैल्यू इज एस अपॉन एस माइनस वन. इसी टाइप से आपने एफ पी को क्या मान लिया था, पी मान लिया था. तो अब यहां से देखें आपकी, जब आप किसको कैलकुलेट करेंगे, हम लोग यहां कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन अपॉन आई, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन. ये एक रिलेशन आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन. सिमिलरली जब आप पी के टर्म में निकालोगे तो आप खुद ही इसको कैलकुलेट कर लो. पी के टर्म में निकालेंगे हमको फ्रैक्शनल पी करेक्टर, इसको पी मान लिया तो माइनस वन अपॉन आई की वैल्यू निकाल के कॉस थीटा के बराबर कर दो, तो कॉस थीटा ये आपका आ जाएगा पी माइनस वन अपॉन पी. fs जो था वो फ्रैक्शनल s करेक्टर था, fs इज व्हाट, इट इज ए फ्रैक्शनल s करेक्टर. तो परसेंटेज s करेक्टर, परसेंटेज s करेक्टर इज व्हाट, इट इज fs इनटू 100, fs इनटू 100. अब fs की वैल्यू आपको पता है, fs की वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं, दैट इज द i सॉरी वन अपॉन एफ एस का वैल्यू वन अपॉन आई प्लस वन इंटू 100. यहां से आप इसको एनालाइज कर सकते हो, एनालाइज इन द सेंस यदि आई का वैल्यू वन है तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो एसपी होगा, और एसपी हाइब्रिडाइजेशन यदि हुआ तो ऐसे केस में परसेंटेज एस करेक्टर इज इक्वल टू 50%. सिमिलरली यदि हम आई का वैल्यू 2 ले लें तो एस पी आई की करेस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन इज एस पी 2 और परसेंटेज एस करेक्टर दिस इज इक्वल टू आई का वैल्यू 2 रख दोगे देन इट इज 33.33%. आई का वैल्यू हमने यहां रख दिया 3, तो 3 के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन हुआ एसपी 3 एंड द परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर इज व्हाट, इट इज 25%.
It is percentage 25%. ये तो तब की बात आई जब हम लोगों ने किया ऑर्बिटर. अब आप ऐसे सोचें, ये कॉन्सेप्ट हम आपको यहां और बताते हैं. सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो एसपी. एस करेक्टर बढ़ेगा, यदि एस करेक्टर बढ़ेगा तो ध्यान रहे आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी यदि एस करेक्टर बढ़ा. अब बात आती है इसके अंदर कि अभी तो हम लोगों ने जो हाइब्रिड ऑर्बिटल लिया था पीछे, वो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या था, एक एसपीआई था और दूसरा भी एसपीआई था. मतलब हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स दोनों ऑर्बिटल के सेम थे. अब थोड़ी देर के लिए हम माने कि यदि अलग अलग है हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, मतलब एक ऑर्बिटल आपकी कुछ ऐसी है और दूसरी ऑर्बिटल भी इसी टाइप की हुई देखने में, क्योंकि हर सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल देखने में एक सी होती है. तो इस ये वाली जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दिस इज एसपीआई, और ये वाली जो हो गई, दिस इज सपोज एसपीआई डैश, एसपीआई डैश, एंड दिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. इसको हमने ये ऑर्बिटल एक्सिस ले लिया और ये वाला भी यहां ऑर्बिटल एक्सिस हो गया. इन दोनों के बीच का जो एंगल है, नाउ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा. तो रिमेंबर जो कॉस थीटा होता है ऐसे केस में, नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आई आई डैश. स्क्वायर रूट ऑफ आई एंड आई डैश. तो फ्रैक्शनल एस करेक्टर यहां क्या हो जाएगा, इस टाइप की केस में जो फ्रैक्शनल एस करेक्टर एफ एस है, इट इज, आपको हमने बताया था कि एफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही रहेगी जो आप लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं. लेकिन यदि हमारा हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा डिफरेंट है, यदि हमारा हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस टाइप का है, एस पी आई डी आई डैश, तो इसमें आप समझ रहे हो कि इसके लिए एफ एस की वैल्यू जो होगी, दिस इज वन अपॉन वन प्लस आई डैश. हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग उसको दूसरे टाइप से देखेंगे. और एफ पी का वैल्यू जो होगा, एफ पी का, तो इट इज आई अपॉन वन प्लस आई डैश. अब हम लोग थोड़ा इसको और एनालाइज करते हैं. रिलेशन सबसे पहले ध्यान रखो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन, जहां पर एस जो था वो फ्रैक्शनल एस करेक्टर था, रिमेंबर. और कॉस थीटा इज इक्वल टू P माइनस वन अपॉन पी माइनस वन अपॉन पी. दिस इज इंपॉर्टेंट. जब हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp होता है तो उस टाइम पर बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल दैट इज 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स आप लोगे तो sp के लिए 1 हो जाएगा. sp के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स है i, दैट इज इक्वल टू 1. इसी टाइप से जब हाइब्रिडाइजेशन sp 2 होता है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स जो है, दैट इज 2. ऐसे केस में बॉन्ड एंगल हम लोग देखते थे, दिस बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री. बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री. इसके बाद आपने sp3 लिया, sp3 के अंदर बॉन्ड एंगल आपको याद हो टेट्राहेड्रल के अंदर 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स अप्रॉक्स,
एंड यहां पर आई का जो वैल्यू है दिस इज 3, आई का वैल्यू कितना 3. आई का वैल्यू यहां पर 3 आ गया. अब इसी में आगे देखें आपकी, हम यदि कॉस थीटा वाला फंक्शन यूज करें तो यहां लिख दें कि कॉस 180 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आई, तो आई का वैल्यू यहां से 1 आ जाएगा. सिमिलरली कॉस 120 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आई, तो यहां आई का वैल्यू 2 आ जाएगा. ऐसे ही आप क्या कि कॉस 109 डिग्री 28 मिनट्स लें, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आई, और यहां पर आई का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा. तो जो हम लोगों ने पहले रिजल्ट देखे थे वो सारे क्या इसी फंक्शन के ऊपर थे, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आई. जो डी वाले हाइब्रिडाइजेशन हैं उसके अंदर कुछ और थ्योरी साथ में चलती है, वहां पर अलग अलग ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक ओनली. इसके आने के बाद अब आप थोड़ा ऐसा सोचें, हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं, जो ये एक्सेस है इस पर एंगल चल रहा है थीटा, यहां पर थीटा, और यहां पर चल रहा है कि एफ एस फ्रैक्शनल एस करेक्टर. थीटा और एफ एस के बीच में हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, तो ये दिस इज ए वन टाइप ऑफ कर्वेचर. ये एक कर्वेचर बनाया, और इस कर्वेचर में आप थोड़ा ऐसा देखो कि हम लोग यहां पर 2-3 पॉइंट ले रहे हैं. FS is what? It is a fractional S character. थोड़ी देर के लिए आप सोचो, एंगल ऊपर की तरफ एंगल बढ़ रहा है, हम लोग सिर्फ इन तीन एंगल की बात करेंगे, इसको ध्यान दो थोड़ा, हम लोग सिर्फ इन तीन एंगल पर बेस्ड ही कर्वेचर बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, तीन एंगल. तो ऊपर की तरफ तो एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहां पर जो एंगल हुआ दिस इज 180 डिग्री. नीचे आए हम लोग दिस इज 120 डिग्री. इसके नीचे आए दिस इज अप्रॉक्स 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स. जब हमारा बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना sp3, और sp3 के हिसाब से हमारा फ्रैक्शनल एस कैरेक्टर यहां पर 0.25 25% होता है, तो 0.25 25%. इस पॉइंट पर जब आप आओगे तो हमने आपको बताया दिस इज द 0.33% के अप्रॉक्स, तो 0.3333 लगा सकते हो ऐसे. इसी टाइप से जब आप इस पॉइंट पर आए हम लोग, तो बेसिकली एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो गया दिस इज द 0.5 50%. कितने परसेंट? 50%. तो यहां पर हमको एक जनरलाइजेशन करना है. हम लोग बोलेंगे, अब इंडेक्स को देखो थोड़ा ध्यान से, ये हाइब्रिडाइजेशन एसपी है, दिस हाइब्रिडाइजेशन इज एसपी टू एंड दिस हाइब्रिडाइजेशन इज एसपी थ्री.
यदि एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो आई का वैल्यू हमने आपको बताया 1, इधर पर आई का वैल्यू कितना हो गया, दिस आई का वैल्यू 2, एंड आई का वैल्यू यहां कितना हो गया, दिस इज 3। तो यहां पर जो जनरलाइजेशन लेके चल रहे हैं हम लोग कि जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, जब थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो ऐसे केस में आई का वैल्यू क्या हो रहा है, आई का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। जब थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, जब एंगल बढ़ेगा तो एफएस पर क्या फर्क पड़ रहा है, बढ़ रहा है, तो यहां पर फ्रैक्शनल एस करेक्टर इंक्रीज करेगा। और फ्रैक्शनल एस करेक्टर यदि बढ़ा तो नो डाउट कि फ्रैक्शनल पी करेक्टर जो है वो रिड्यूस करेगा, एक बढ़ेगा और एक कम होगा। यहां पर जो भी है, दिस इज द प्योर ऑर्बिटल, थीटा बड़ा आई कम हुआ, एफएस बड़ा और एफपी कम हो गया। तो ध्यान रखना, इसकी काफी एप्लीकेशन है और बेसिकली इसको हमको यूज कैसे करना है वो हम एडवांस वीबीटी में इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इस चीज को ध्यान रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी के अंदर हम लोग क्या कि कुछ पॉइंट आपसे यहां डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमने फॉर्मूला निकाला cos theta इज इक्वल टू -1/i, ध्यान दो थोड़ा, ये थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। कभी भी कोई भी सेंट्रल एटम जब बॉन्ड बनाता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp sp2 sp3 sp3d एटसेट्रा। तो s की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। s की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ऐसे केस में ये s की जो वैल्यूज होती हैं ये हर बॉन्ड को डिस्ट्रीब्यूट होती है, हर बॉन्ड को डिस्ट्रीब्यूट होती है, बॉन्ड पेयर को भी डिस्ट्रीब्यूट होती है, लोन पेयर को भी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हम लोग बोलते हैं कि जितने भी सराउंडिंग में पाई बॉन्ड होते हैं, जितने भी सराउंडिंग में बॉन्ड होते हैं, क्योंकि पाई तो आपको मालूम ही है कि प्योर ऑर्बिटल से बनता है, तो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो भी यहां पर जनरेट हो रहा है, तो ऐसे केस में फ्रैक्शनल एस करेक्टर का जो सम होता है वो 1 होता है। जितने भी सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर हैं उन सभी के अंदर जो एस करेक्टर प्रेजेंट है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होता, उन सभी का समेशन मैक्सिमम कितना होता, 1 होता। ऐसे ही देखें आप कि हमने आपको लिखा अभी थोड़ी देर पहले कि कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/i। I is what is the, it is the hybridization index। अब थोड़ी देर के लिए आप ऐसा सोचो कि हमको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है BeCl2। इसको हम लोग दो टाइप से एनालाइज कर रहे हैं, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो जितना S करेक्टर यहां पे होगा उतना ही S करेक्टर यहां पर होगा, दोनों जगह एस करेक्टर कैसा होगा, सेम होगा। पहले तो हम लोग इसको क्या, बॉन्ड एंगल की बात करें तो आपको मालूम है ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, तो एक हमने लिख दिया कि कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/i और इसके हिसाब से कॉस 120 डिग्री 180 कॉस 180 इज इक्वल टू -1/i, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा एसपी आ गया, क्योंकि आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरा क्या, जितने भी बॉन्ड हैं सेंट्रल एटम के अबाउट, वहां पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, यहां लोन पेयर जैसी कोई कहानी नहीं दिख रही, तो यहां पर समेशन ऑफ एफएस ये होना चाहिए तुम्हारा 1।
मतलब इस बॉन्ड का एस कैरेक्टर और इस बॉन्ड के एस कैरेक्टर को दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, वन आना चाहिए। दोनों बॉन्ड सेम है इसलिए हम लोगों ने इसका हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स यदि आई माना तो इसको भी आपको आई मानना पड़ेगा, दोनों सेम। तो इस बॉन्ड के अंदर कितना एस कैरेक्टर प्रेजेंट है, एस कैरेक्टर का फॉर्मूला आपने लिखा था आपको कि एफ एस इज इक्वल टू वन अपॉन आई प्लस वन, तो एक हो गया वन अपॉन आई प्लस वन, प्लस दूसरा बॉन्ड भी सेम हो गया वन अपॉन आई प्लस वन, और इन दोनों का सम वन। नाउ दिस इज टू अपॉन आई प्लस वन इज इक्वल टू वन, यहां से आई का वैल्यू आपने निकाला तो वन आया, यदि वन आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, एसपी। इसी टाइप से आप सोचें कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है बी एफ थ्री, बी एफ थ्री मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल आपको ये मालूम है कि ये बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120। या तो आपको बॉन्ड एंगल पता हो नहीं तो दूसरे इस मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कॉस 120 इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आई, यहां से आई का वैल्यू जब निकाला तो आई का वैल्यू 2 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, एसपी 2 हो गया, एसपी 2 हो गया। एसपी 2 के अंदर ये वाला भी एसपी 2, ये वाला भी एसपी 2 और ये भी एसपी 2, तीनों एसपी 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन मान लीजिए हमको बॉन्ड एंगल नहीं पता और सारे बॉन्ड जो हैं वो एक जैसे हैं, सिमेट्रिक हैं, तो आप मान लेंगे इसका इंडेक्स आई, इसका भी इंडेक्स आई और ऊपर वाले का भी आई, तीनों के फ्रैक्शनल एस कैरेक्टर का सम कितना होना चाहिए, वन। तो हम लोग लिखेंगे एक बॉन्ड का वन अपॉन आई प्लस वन, दूसरे का भी वन अपॉन आई प्लस वन, तीसरे का भी वन अपॉन आई प्लस वन, दिस इज इक्वल टू वन, दिस इज इक्वल टू वन। तो यहां से हो गया थ्री अपॉन आई प्लस वन इज इक्वल टू वन, और आई का वैल्यू जब आपने निकाला तो टू, हाइब्रिडाइजेशन इज एसपी टू, हाइब्रिडाइजेशन इज एसपी टू। ये हम सिर्फ बॉन्ड पेयर वाला ले रहे हैं, अभी लोन पेयर वाला बताएंगे आपको आगे। इसी टाइप से आप देखो कि मॉलिक्यूल मान लीजिए सी एच फोर है, सी एच फोर मॉलिक्यूल यदि है तो बॉन्ड एंगल हमको पता है इट इज 109 डिग्री, सो कॉस 109 डिग्री 28 मिनट्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आई, तो इससे आई का वैल्यू 3 आ जाएगा, 3 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी 3। ये सारी चीजें बाद में श्रोडिंगर ने दी थी, इन कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आई के अंदर लाइनस पॉलिंग का कोई रोल नहीं है, हमको तो सिर्फ जानना है किसने दिया क्या दिया, वी डोंट नो। कॉस थीटा निकाल दिया या इसका हम लोग बोलेंगे आई इंडेक्स है, तो समेशन ऑफ एफ एस इज इक्वल टू वन, तो चार बॉन्ड है तो फोर अपॉन आई प्लस वन इज इक्वल टू वन, यहां से आई निकाला आपने 3, दिस इज एसपी 3, दिस इज एसपी 3। ये सिर्फ हमने आई की आपको कैलकुलेशन बताई और बेसिकली आपको ये भी ध्यान रखना है। लाइनस पॉलिंग ने जो पॉइंट्स बोले थे वो 9th तक जो पॉइंट्स हैं, और इसके बाद की जो थ्योरी है वो दैट इज प्रपोज बाई श्रोडिंगर, और किन कंडीशन में वी विल डिस्कस, एसपीआई शायद आप समझ गए होंगे। इसी में आगे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स का जो फर्दर एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन की हम लोग बात कर रहे हैं। आप सोचें कि हमारे पास अमोनिया मॉलिक्यूल है,
अमोनिया, अमोनिया मॉलिक्यूल के ऊपर हाइब्रिडेशन इंडेक्स अप्लाई करना है। तो अमोनिया का एक हम लोगों ने नॉर्मल स्ट्रक्चर लिखा और इसके ऊपर लोन पेयर, तो आप इसको ऐसा एज्यूम करें कि जो बॉन्ड है इसका इंडेक्स जो है, दिस इंडेक्स इज आई, और जहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है इसका इंडेक्स जो है, दिस इज द आई डैश। एक आई हो गया और दूसरा आई डैश हो गया। हमको अमोनिया मॉलिक्यूल में पता रहता है कि कई बार बता चुके आपको, बॉन्डिंग एंगल ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंगल इज 107 डिग्री अप्रॉक्स, 107 डिग्री। तो बेसिकली आई निकालने के लिए, आई को इवेल्युएट करने के लिए हम लोग इस बॉन्ड एंगल का यूज करेंगे, फिर उसके बाद समेशन ऑफ एस करेक्टर का यूज करेंगे। तो जो आपको बॉन्ड एंगल दिया हुआ है उस बॉन्ड एंगल से हम लोग आई निकालेंगे। तो ध्यान दें यहां पर, नाउ कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/i। आपको यहां पता है कि कॉस थीटा इज व्हाट, दिस इज कॉस 107 डिग्री, दिस इज -1/i। कॉस 107 की वैल्यू आप चाहें तो कैलकुलेटर से निकाल लें, अदरवाइज ये वैल्यू आती है आपकी -0.2923, दिस इज इक्वल टू -1/i। यहां से हम आई का वैल्यू जब इवेल्युएट करेंगे तो आई का वैल्यू आएगा 3.42, दिस वैल्यू इज 3.42। जो बॉन्ड एंगल पता था उस बॉन्ड एंगल के हिसाब से आपने इवेल्युएट कर लिया आई। इसके बाद बॉन्ड पेयर जहां प्रेजेंट है उसका तो आपने आई इवेल्युएट कर लिया, लोन पेयर जहां प्रेजेंट है वहां तो इंडेक्स आई डैश है। अब आई डैश को कैसे इवेल्युएट करेंगे, इसमें ध्यान दें आप कि नाइट्रोजन के सराउंडिंग में एस करेक्टर डिस्ट्रीब्यूट होना है। कुछ एस करेक्टर बॉन्ड पेयर का होगा, कुछ लोन पेयर का होगा, लेकिन हमने आपको बताया कि समेशन ऑफ एफ एस, दिस इज इक्वल टू 1। एनएच बॉन्ड कितने हैं, 3 हैं, तो 3 टाइम्स एस करेक्टर जो हम लोगों ने डिफाइन करा था, इट इज 1/i+1 प्लस, जहां लोन पेयर प्रेजेंट है उसका इंडेक्स आई डैश, तो 1/i+1, नाउ दिस इज इक्वल टू 1। एस करेक्टर नाइट्रोजन के सराउंडिंग में 100% डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो यहां से आपने आई का वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर दें, आई का ये वाला वैल्यू आप यहां इंसर्ट कर देंगे और हम लोग आई डैश को इवेल्युएट करेंगे। तो यहां से आई डैश का वैल्यू आप जब इवेल्युएट करेंगे, इट विल कम अराउंड 2.112, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई डैश। तो यहां दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो गए, हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पेयर वाला हाइब्रिडाइजेशन SPi और लोन पेयर वाला हाइब्रिडाइजेशन SPi डैश, बॉन्ड पेयर वाला हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर वाला हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां से आप इसको पूरा प्रॉपरली देखें, परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर हमने लिखा था एफ एस इंटू 100, सो दिस इज इक्वल टू एफ एस इज व्हाट, इट इज 1/i+1 इंटू 100। तो परसेंटेज एस करेक्टर हम लोग लोन पेयर में भी निकालेंगे और बॉन्ड पेयर में भी निकालेंगे, तो यहां लिख रहे हैं हम लोग एस करेक्टर इन बॉन्ड पेयर,
this is 100 upon I plus 1. So I ka value 3.42 plus 1. So this value will come around 22.62%. Up S character in lone pair. Jahan lone pair hai, wahan ka S character kitna hoga? This is 100 upon I dash plus 1. I dash plus 1. This value will come. I dash ka value aapko pata hai. I dash ka value hum logon ne kitna evaluate kiya? 2.112. So it is 100 upon I dash ka value rakh diya 2.112. So this value is 3.112. और ये आपका आ जाएगा टोटल जब इवैल्यूएट करेंगे हम लोग दिस इज 32.133% लोन पेयर वाला. नाउ अब चेक किए जाते हम लोग टोटल एस करेक्टर. टोटल एस करेक्टर नाइट्रोजन के सराउंडिंग में तीन बॉन्ड है नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाले 3 times 22.62 plus एक लोन पेयर है तो 32.133. this value will come nearly 100%. तो लोन पेयर S character ज्यादा खा गया. लोन पेयर के पास S character कैसा है? ज्यादा है. और बॉन्ड पेयर के पास एस कैरेक्टर कैसा? कम. ये सभी श्रोडिंगर की एप्लीकेशंस हैं और इस एप्लीकेशन में हम लोग आगे इसमें फर्दर बात कर रहे हैं, फर्दर इस चीज को एक्सटेंड कर रहे हैं अबाउट द वाटर. वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर देयर आर टू बॉन्ड पेयर एंड टू लोन पेयर. यदि हम वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें H2O तो इसके अंदर दो लोन पेयर हैं और दो बॉन्ड पेयर हैं. तो यहां एजम्पशन ले लिया कि OH बॉन्ड का इंडेक्स I, OH बॉन्ड का इंडेक्स I, तो इसका भी I और इस वाले का भी कितना रहेगा? इंडेक्स I. लेकिन जहां लोन पेयर प्रेजेंट है दिस इंडेक्स इज I डैश और यहां लोन पेयर प्रेजेंट है दिस इंडेक्स इज ऑल्सो आई डैश. सभी आपका आई और आई डैश हो गए. लेकिन हमको जो बॉन्ड होता है वो हमेशा बॉन्ड पेयर के बीच में ही पता रहता है. तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इज अप्रॉक्स 104 degree 5 minutes. तो इस बॉन्ड एंगल से हम लोग पहले आई इवेल्युएट कर लेंगे. तो cos theta इज इक्वल टू -1/i. cos theta इज इक्वल टू -1/i. अब cos 104 degree 5 minutes दिस इज इक्वल टू -1/i. इस हम इनके सिर्फ नेट फाइनल रिजल्ट पर ध्यान देंगे. तो ये वाली वैल्यू जो आप निकालोगे दिस वैल्यू इज अप्रॉक्स -0.25. दिस इज इक्वल टू -1/i. तो i इज इक्वल टू यहां इवेल्युएट करेंगे इट विल कम 4. i का वैल्यू 4. तो i निकाल लिया जो बॉन्ड एंगल दिया. अब दूसरा जो i डैश आपको निकालना है उसमें समेशन ऑफ fs इज इक्वल टू 1. समेशन ऑफ fs इज इक्वल टू 1. दो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के तो 2 टाइम्स s कैरेक्टर की बात करें 2 टाइम्स 1/i+1 प्लस 2 टाइम्स 1/i-+1. दिस वैल्यू इज 1. Now 2, 1 upon i का वैल्यू डालना है 4 plus 1
plus 2 times 1 upon I dash plus 1, this is equal to 1. तो यहां से हम जब I dash की वैल्यू निकालेंगे तो I dash का वैल्यू जो आएगा इट इज 2.33. यहां आप बोलोगे कि वाटर के अंदर जो OH बॉन्ड का एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज द sp4, आपको ताज्जुब होगा ये किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, बट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी थ्योरी का एक्सटेंशन हमको देखना है कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए, और जहां लोन पर प्रेजेंट है वो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2.33। अब टोटल परसेंटेज एस करेक्टर इन बॉन्ड पेयर, सो दिस इज 100 अपॉन आई प्लस 1, सो 100 अपॉन आई का वैल्यू 4 प्लस 1, दिस इज कमिंग टू बी 20%। नाउ परसेंटेज एस करेक्टर इन लोन पेयर, परसेंटेज एस करेक्टर इन लोन पेयर दिस इज 100 अपॉन आई डैश प्लस 1, आई डैश का वैल्यू आपको पता है तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 2.33 प्लस 1, सो दिस इज 100 अपॉन 3.33, सो इट इज अप्रॉक्स 30%, अप्रॉक्स 30%। अब टोटल एस करेक्टर देखें आप कि टोटल एस करेक्टर ऑक्सीजन के सराउंडिंग में दो बॉन्ड पेयर, और दो बॉन्ड पेयर को हमने क्या दिया है, दो बॉन्ड पेयर को हमने दिया है कितना, बॉन्ड पेयर वाला जो एस करेक्टर का परसेंट है 20 प्लस 2 टाइम्स जो लोन पेयर वाला है इट इज द 30, सो टोटल इज कमिंग टू बी 100%, दिस इज 100%। बहुत सिंपल है, तो टोटल एस करेक्टर बढ़ना है, लेकिन लोन पेयर जहां होता है वहां एस करेक्टर हमेशा क्या होता है, ज्यादा। दूसरे सेंस में हम बोलें कि लोन पेयर ऐसी पोजीशन पे अटैच होता है कि वो ज्यादा एस करेक्टर को खा जाता है, इट टेक्स मोर अटैच्ड विद दैट ऑर्बिटल विच हैविंग द मोर एस करेक्टर, या लोन पेयर जहां प्रेजेंट है वहां उस ऑर्बिटल का एस करेक्टर जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि एस करेक्टर बढ़ रहा है, एस करेक्टर जब बढ़ता है तो ऑर्बिटल जो है वो स्पेरिकल होती चली जाती, उसका साइज स्पेरिकल होता चला जाता, जितना ज्यादा एस करेक्टर उतना ही ज्यादा उसका स्पेरिकल नेचर होगा, मतलब वॉल्यूम ज्यादा होगा। और जब पी करेक्टर बढ़ता है ऐसे केस में ऑर्बिटल की क्या लेंथ बढ़ जाती है, ऑर्बिटल की लेंथ बढ़ जाती है, इसको ध्यान रखना आप।